नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक। मैं काशिफ अली, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी वो खबरें मैं आपको बताता रहता हूं। अब मैं एक बार फिर लेकर आया हूं टॉप टेक, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वो अहम खबरें जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपके सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोकिया X6 के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम धांसू फीचर है इसके और ये 27 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा नोकिया X6। ये सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से। HMD ग्लोबल नोकिया X सीरीज के कम से कम 2 स्मार्टफोन लेकर आ सकती है और ये फ़ोन 27 अप्रैल को लॉन्च हो सकते हैं। टेक जगत के, अगर हम दुनिया की माने तो, खबरों की माने तो, नोकिया का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया X6 होगा और इसमें आईफोन X जैसा नॉच दिया जाएगा। अगर खबरों की माने तो नोकिया X6 में 5.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया होगा, साथ ही नीचे की तरफ नोकिया का लोगो भी दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन 2 प्रोसेसर वेरिएंट के साथ आ रहा है, स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर और मीडियाटेक P60 प्रोसेसर। ये 4 GB और से लेकर 64 GB वेरिएंट और 6 GB और 128 GB ऑप्शन में आएगा। साथ ही साथ कैमरे की बात करें तो नोकिया X6 में डुअल कैमरा सेटअप होगा, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को भी लेकर जगह मिलेगी। और साथ ही साथ, हालांकि कंपनी की तरफ से कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। बहरहाल ये नोकिया X6 का लोगों को इंतज़ार है और इसके फीचर काफ़ी अच्छे हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसकी स्क्रीन और इसका जो बैटरी है और बहुत बेहतरीन है, तो यानी आप ये फ़ोन को ले सकते हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, वो है कि सैमसंग गैलेक्सी S9 एक्टिव लीक हो चुका है और 4000 mAh की बैटरी के साथ स्नैपड्रैगन रहेगा 845। यानी गैलेक्सी S9 की तरह एक्टिव भी ज़्यादा ड्यूरेबल अलग तरह का गैलेक्सी S9 का वेरियंट होगा। साथ ही साथ मैं आपको पूरा विस्तार से खबर बता देता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप हैंडसेट हैं जिनका ऐलान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से पहले ही कर दिया गया था। लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही गैलेक्सी S9 एस मिनी को ऑनलाइन देखा गया, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साउथ कोरियन जॉइन आने वाले हफ्तों में गैलेक्सी S9 एक्टिव पर से भी पर्दा उठा दिया जाएगा। गैलेक्सी S9 की तरह ही एक्टिव भी ज़्यादा ड्यूरेबल और अलग तरह का गैलेक्सी S9 सीरीज का वेरिएंट होगा। तो अब मैं आपको थोड़े से इसके फीचर्स बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट के ज़रिए इसका थोड़ा सा खुलासा हुआ है। रेडिट खबरों के मुताबिक माने तो सैमसंग के मॉडल नंबर SMG893 को 2018 के सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जा सकता है, तो वहीं इस मॉडल को गैलेक्सी S9 एक्टिव इसलिए माना जा रहा है। इससे पहले जिस गैलेक्सी S8 एक्टिव को लॉन्च किया गया था उसका मॉडल नंबर SMG892 था। वहीं अगर फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्क्रीनशॉट से ही पता चल रहा है कि फ़ोन में ऑक्टोकोर कॉलगम स्नैपड्रैगन 845 SoC जिसमें 4 GB रैम के साथ 64 GB इन बिल्ट स्टोरेज है। यानी अब मैं आपको जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सैमसंग SMG893 है। और साथ ही साथ डिस्प्ले इसका दिया गया 5.8 और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टोकोर और स्टोरेज है 4 GB से 64 GB जो है इसका स्टोरेज है। कैमरा 12 MP है, साथ ही साथ डुअल कैमरा है और बैटरी इसकी 4000 mAh है। ये स्क्रीनशॉट के ज़रिए मालूम चला है, लीक्स जो है उसके ज़रिए ये मालूम चला है कि इसका ये है फ़ोन के कुछ ख़ास फीचर्स। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस फ़ोन के कुछ ख़ास फीचर्स जो हैं। फ़ोन के अगर डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन का स्क्रीन साइज़ 5.8 इंच का होगा और QHD रेजोल्यूशन 1440 और x2960 पिक्सल। तो वहीं अगर हम बात करें इस कैमरे की बात करें तो रियर मॉडल 12 MP सेंसर के साथ आएगा, जिसमें अगर हम बात करें इसका जो अपर्चर होगा वो भी बेहतर रहेगा, डुअल अपर्चर होगा। फ़ोन का फ्रंट कैमरा 8 MP सेंसर का रहेगा और जो करीब बेहतरीन अपर्चर के साथ आने की उम्मीद है। लीक में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो फ़ोन की बैटरी का, फ़ोन की बैटरी भी 4000 mAh की है। यानी कीमत की बात करें तो आगे चलकर अगर कंपनी फ़ोन की कीमत को नहीं बढ़ाती है तो फ़ोन की कीमत को S9 मिनी की तरह ही रखा जाएगा।
फ़ोन की उपलब्धता पर अगर हम बात करें, गौर करें, तो गैलेक्सी S9 मिनी को Q3 2018 में लॉन्च किया गया था जा सकता है, जिसके बाद से आने वाले हफ्तों में रिलीज भी किया जा सकता है। यानी साफ तौर पर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस लीक के जरिए जो पता मालूम चला है कि गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी S9 के जो फीचर्स मैंने आपको बताए ये हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 2018 के मिड में यानी मई और जून के बीच में ये लॉन्च हो सकता है। और साथ ही साथ इसके जो फीचर्स लीक हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहरहाल अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे कि जिस तरीके से लगातार चीज़ें बदल रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वहीं साथ में अब गूगल ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। गूगल अब जॉब ढूंढने में मदद करेगा आपकी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि नए नए जॉब्स के पोर्टल्स बने होते हैं, shine.com, और हमने देखा काफ़ी पोर्टल्स बने होते हैं, तो गूगल अब कैसे मदद करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल भारत में अब अपने सर्च इंजन के जरिए नौकरी ढूंढने का काम भी करेगा। एक इवेंट में गूगल ने जॉब सर्च को रोल आउट करने की घोषणा की है। इस फीचर को सबसे पहले गूगल IO 2017 में पेश किया गया था, अब इसे भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। अब इसका जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बहुत आसान हो जाएगा जॉब को सर्च करना, जॉब जो सर्च की जाएंगी वो काफ़ी आसान हो जाएंगी इसके जरिए। इसके जरिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे हम जो चीज़ देख रहे हैं कि लोगों को जॉब्स के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोग सर्च करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन अब गूगल इसके लिए काफ़ी इजी साबित हो सकता है। और ये किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब सर्च गूगल फॉर जॉब्स का एक हिस्सा है। गूगल फॉर जॉब्स नौकरी ढूंढने वालों और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करता है। जो जॉब देने वाले हैं और जो जॉब लेने वाले हैं उन दोनों के बीच ये कनेक्टिविटी कर देगा, उनके बीच का एक हम कह सकते हैं मीडिएट का काम करेगा। अपने मन मुताबिक और अपनी प्रोफाइल से मेल खाली खाती नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं है। जॉब पोस्टिंग, वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स और नोटिस बोर्ड्स के बाद गूगल अब जॉब सर्च के लिए अपना एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि मुख्य प्लेटफॉर्म बन जाएगा आने वाले वक्त में। और गूगल ने कर रहा है, कई संस्थाओं के साथ भी काम कर रहा है नए इस नए फीचर के साथ। लोग जॉब्स नियर मी, जॉब्स फॉर फ्रेशर्स आदि लिखकर अपने आसपास की नौकरी तलाश कर सकते हैं। अब गूगल जॉब सर्च पर भारतीयों को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। गूगल का कहना है कि वह आसान जॉब्स फ्रेशर्स वर्ल्ड, IBM टैलेंट मैनेजमेंट, टाइम्स जॉब्स, विजडम जॉब्स कई संस्थाओं के साथ काम कर रहा है ताकि बेहतर जॉब लिस्टिंग फीचर की जा सकें। ये गूगल का कहना है। और साथ ही साथ गूगल के इस कदम से जो भारत में इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि जॉब्स में जो गिरावट आ रही है, तो अब हो सकता है कि गूगल के इस कदम से अब लोगों को जॉब्स, जो बहुत से ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं गाँव में, भारत के ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे अभी लोगों को थोड़ी सी मालूमात कम होती है, उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन से सेक्टर में कौन सी जॉब निकली है और कहाँ नहीं, तो गूगल के इस बात से कहीं ना कहीं सीधा असर पड़ेगा यूथ के ऊपर। जो यूथ चाहती हैं कि उन्हें, जो उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, वो चाहते हैं कि जॉब मिले, और उनको अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जॉब मिले, तो वो भी हम मान सकते हैं कि इस कदम से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और गूगल चाहेगा कि वो उनके इस चीज़ से काफ़ी अच्छा हो जाए। और साथ ही साथ मैं अब आपको बताएं कि किस तरीके से गूगल के इस कदम से कितना फ़ायदा मिलेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि गूगल के इस कदम से साफ तौर पर हम बात बता सकते हैं कि फ़ायदा ही होगा। और चलिए अब आप अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अमेज़न की, मैं आपको बता देता हूँ, अमेज़न ने अब अपनी एक नई शुरुआत की है। उसने कहा है कि घर के बाद अब आपके सीधे आपकी कार में होगी डिलीवरी। यानी ये अमेज़न ने एक नई चीज़ की है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़न टेक्नोलॉजी और यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए नई तकनीक के साथ अपना विचार कर रही है। एक प्रोजेक्ट के मुताबिक अमेज़न जल्द ही होम डिलीवरी के बाद अब सीधे कस्टमर्स की कारों में डिलीवरी होगी। शुरुआती तौर पर यह प्रोग्राम करीब 37 शहरों में शुरू किया जाएगा, जिसमें वह सभी प्राइम मेंबर कस्टमर शामिल होंगे जिसके पास जनरल मोटर या वॉल्वो की गाड़ियां हैं। ये भी बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है कि जिनके पास जनरल मोटर की गाड़ी हैं या फिर वॉल्वो गाड़ियां हैं, वो उनके पास ही ये सुविधा रहेगी। कैसी होगी कार में डिलीवरी, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कार में डिलीवरी के लिए अमेजॉन प्राइम कस्टमर्स को अमेजॉन की ऐप नाम से एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, जिसकी मदद से कस्टमर अपनी कार को कनेक्ट कर ऑर्डर बुक कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स को कोई अन्य हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कस्टमर की कार
पब्लिक प्लेस में मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी कार पब्लिक प्लेस में नहीं है, फिर उसके बाद आप चाहे कि वहाँ डिलीवरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी कार पब्लिक प्लेस में होना ज़रूरी है। कार डिलीवरी रेंज में खड़ी है नहीं, ये भी ज़रूरी होगा। पैकेज ट्रैकिंग की डिटेल और डिलीवरी होने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन का मैसेज कस्टमर को इस ऐप में मिलेगा, तो इससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। लोग अपने कार में होते हैं, लंबे लंबे रूट पर होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो ऐसे में एक ऐप काफ़ी मदद करेगा, अमेज़न का ये जो एक नया ऑप्शन है काफ़ी सुविधा पहुँचाएगा। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की खबरें। मैं फिर हाजिर हूँ और टेक्नोलॉजी और नई नई खबरें लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नेक्स्ट 9 टेक। नमस्कार।